62 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाजाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांधरपल में वाकई बालतल बेस कैंप से यात्रियों के काफिलों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। नुनवन में डीसी सईद फखरुद्दीन, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना किया। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकामी लोगों के तावन की भी खूब सराहना की। डीसी अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी शाहबीर और दीगर अहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। दोनों बेस कैंप्स पर यात्रा रवाना होते वक्त बम बम बोले के नारों से फजा गूंज उठी। बिल्कुल बिल्कुल, लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्ग्यूमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म स्लूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेजबानी की बेहद उम्दा मिसाल थी और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे जोर में ऐसे रहेगा और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ दो दिन में मैं डायरेक्ट ऊपर गुफा तक पहुँच जाऊंगा। गुफा तक पहुँच जाएंगे और क्या मनोकामना लेके जा और सबको सदबुद्धि और अच्छी सेहत दे बाबा भोलेनाथ। आर्मी वालों का बहुत 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 अच्छा सिस्टम है, लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं और जो इनका इंतजाम है वो आउटस्टैंडिंग है जी, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ बताइए, जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह की है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है और एवं व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। नाम है मधुमान, हम लोग काशी क्षेत्र बनारस से हैं और यहाँ पे हम लोग आज पहली बार हमें दर्शन करने की बाबा बर्फानी के यहाँ आया। हमारी यही मनोकामना है कि हम अच्छे से जाके दर्शन करके घर वापस पहुँच जाए, यही मनोकामना है दिल में। तो डमरू भी आपके हाथ में? बोले कृपा किस बार डमरू लेकर तुम आओ, बुरा भोले भक्त कृपा है उसी का डमरू लेकर आओ। इस बार ये छठवां बार मिली है, छठवां बार आ पा रहे हो तो क्या मनोकामना है इस बार लेके? मनोकामना ये कि मेरा सबका खुशी खुशियां रहे, यही सब रहे और क्या। आता तो आप बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं आजकल, क्या आपको अलग दिखने को मिला है? इस बार बहुत ही शानदार और बेहतरीन व्यवस्था मिला। हम लोग तो भले ही पहली बार आए हैं लेकिन व्यवस्था यहाँ का प्रशासन और शासनिक तौर से बहुत ही शानदार रहा, जो हम लोगों को हर सुविधा उपलब्ध रहा। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, बहुत वही बहुत बढ़िया। हम मैं दूसरी बार हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था, पिछले साल की बहुत 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 व्यवस्था, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यहाँ का वातावरण इतनी सुंदर है क्या कहा जाए। हम लोग जाएंगे बहुत ही यहाँ का बारे में बहुत अच्छा ही बखान करेंगे, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, आपको हम वो अद्भुत नजारे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दरिया लिदर है, कितना खूबसूरत रवा दवा इसका पानी है और इसी के निकट जो है नुनवन बेस कैंप है और ये जो दरिया लिदर है इसका नजारा, इसके मजे लूट रहे हैं यात्री। और आप देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से यहाँ पर सैर सपाटा भी कर रहे हैं और इसके बाद जो है आगे चल रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं और इनकी भी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करें ताकि इनकी यात्रा जो है वो मुकम्मल हो जाए। और साथ ही साथ जो कश्मीर से ये लोग यादें लेके जा रहे हैं। फिरोजवानी के साथ न्यूज 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। फौजी कमांडर वन सेक्टर आरआर ब्रिगेड अमनदीप महाली बीएसएम ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और एसएबीएस अभी के इश्तराक से फौज ने कई इकदाम किए। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है, नाइट विजन डिवाइसेज और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थ यात्रियों का इस साल की
62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, ये इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेकर होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं, उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRF और SDRF की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिंजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि हिंदुस्तानी फौज रिवायती तौर पर यात्रियों के लिए महफूज यात्रा को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। इस साल भी फौज ने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक मजबूत और मुतहरिक सिक्योरिटी ग्रिड फराहम किया है। फौज अपने जदीद तरीन नाइट विजन आलात के साथ पहाड़ों पर तैनात है। यात्रा के रास्तों की सफाई और इलाके पर 24 घंटे नजर रखी गई है। कसीर सतही हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया है। फौज के स्पेशल दस्ते यात्रा के रास्ते पर जगह जगह नजर रखे हुए हैं। स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। फौज ने तिब्बी हंगामी हालात और यात्रा के लिए एयरलिफ्ट की दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर हेलीपैड भी दस्तियाब कराया है। हमने माउंटेन रेस्क्यू में अपनी महारत सिविल एजेंसियों को पेश की है और मुख्तलिफ एजेंसियों की माउंटेन रेस्क्यू और एवलांच रेस्क्यू टीमों को तरबियत दी है। बगैर किसी रुकावट और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज दर्शन के लिए निकला है। आपको बताएं, कड़े इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा के। अगर आपको बताएं तो जितने भी यात्री इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कंफर्ट मिल रही है तो वो कलेक्टिव एफर्ट से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के और जी हाँ इंडियन आर्मी के। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ब्रिगेडियर अतुल राजपूत, उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप सर ये बताएं कि किस तरीके के इंतजाम है इस बार। सरोज भाई, जय हिंद। सबसे पहले इस बार बताता हूं कि इस बार जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CAPF, BSF, CRPF, ITBP, SSB और इंडियन आर्मी एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में इस पूरी यात्रा को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल एलिमेंट का एफर्ट नहीं है, ये होल नेशन अप्रोच है, बिकॉज अमरनाथ जी यात्रा इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ नेशनल इवेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो काफी सारे यात्री जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस बार आपने हैवी ड्यूटी मशीन्स रखे, इन केस ऑफ एनी अनटोवर इंसिडेंट यू गाइज आर रेडी। It was unfortunate that last year, despite our best efforts, we still lost lives. This time, we have already moved the earth-moving equipment, the heavy equipment, and staged it forward with the help of helicopters, heavy-duty helicopters. We have staged it forward, the SSLs, the Bobcats, the dozers, etc. We have our avalanche rescue teams and another quick reaction teams placed in case of any disaster, and the synergy and integration between the various agencies far more so that we can respond in an integrated manner. Also, a joint exercise by NDRF has been carried out
and also at the army level, exercise has been carried out in which all stakeholders have participated. We have also carried out mock drill exercises. In fact, the reps of NDMA had come here and carried out on-ground practice, various mock drills. So one last question. When we talk about the security, you just mentioned in your press conference that, you know, there is a team of snipers, there are dog squads, there are bomb squads. So how do you see it, sir? Saroji, security is a very, very complex and integrated approach of all the agencies. We all have deployed ourselves in tiers. There is a security architecture consists of the point security, the mid-reach security, and the higher reaches or security, so that where the yatris are going, depth is provided to that their movement at all the times. So we have our surveillance decks, the snipers, the anti drone equipment placed all along the route, the northern route, so that any effort by any inimical element can be mitigated. It's a challenge, and we're there to face this challenge. Thank you so much for talking to us. Thank you, Saroj bhai. Thank you.